तो गाइस आज हम चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है नो AEW, यानी कि ऑल इलीट रेसलिंग से जुड़ी एक सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे इस कंपनी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की गाइस, जिनको सुन के आपकी जो नॉलेज है वो ऑल इलीट रेसलिंग की भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आज का ये पहला एपिसोड 1 जो है ये होने वाला है केनी ओमेगा के ऊपर गाइस, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और जैसा कि मैंने कहा एक नई सीरीज होने वाली है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं सीरीज में इंक्लूड हो तो उसे कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केनी ओमेगा की कि आखिर वो हैं कौन, क्या वो बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड हैं, और ऑल इलीट रेसलिंग में आने से केनी ओमेगा का क्या मतलब बनता है, क्या इस कंपनी को फायदा होता है। तो सबसे पहले बात करें गाइज तो केनी ओमेगा का असली नाम है टाइसन स्मिथ और ये एक कैनेडियन बॉर्न रेसलर हैं जिन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द करियर गाइस जैपनीज रेसलिंग में बनाया है और वहां पे ये बहुत ही ज्यादा एक बड़े स्टार हैं। एक कमाल की बात ये है गाइस कि 2005 में केनी ओमेगा ने एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था WWE के साथ, लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्होंने अपना रिलीज मांग लिया था और वो वहां से चले गए थे। अब केनी ओमेगा इनका रिंग नेम है और जापान में अपने अमेजिंग रेसलिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं गाइस। जो तरीका है इनका लड़ने का वो बिल्कुल कमाल है, और ऊपर से गाइस ये जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉरेन रेसलर हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है गाइजिन, यानी कि एक ऐसा रेसलर जो जापान का नहीं है लेकिन आके न्यू जापान प्रो रेसलिंग में लड़ता है, तो ये उस चीज में बिल्कुल टॉप है। और गाइस बुलेट क्लब जो कि इंडी रेसलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्शन है, एक बहुत बड़ी टीम है, उसके भी ये लीडर रह चुके हैं, और बुलेट क्लब के प्रीवियस लीडर्स फिन बैलर, एजे स्टाइल्स और लूक गैलोस भी रह चुके हैं। तो जब एजे स्टाइल्स गए थे न्यू जापान प्रो रेसलिंग से गाइस, तो केनी ओमेगा वहां पर आए थे और उन्होंने टेक ओवर करा था बुलेट क्लब पे, और तब मेजर उनका करियर स्टार्ट हुआ था न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। और गाइस आपको शायद ये लग रहा होगा यहां पे कि ऐसा क्या हो गया, अगर केनी ओमेगा चले भी गए न्यू जापान में तो और भी रेसलर्स जाते रहते हैं, लेकिन गाइस क्रिस जेरिको स्पेशली WWE छोड़कर इसलिए गए थे क्योंकि उनको केनी ओमेगा के साथ एक मैच लड़ने का मौका मिल रहा था न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। तो अगर जेरिको जैसा एक लेजेंड ओमेगा को इस तरीके से देखता है गाइस, तो हमको यह बात पता लगती है कि उस एक मैच की वजह से केनी ओमेगा कितने ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर बन चुके हैं। अब इनके करियर की कुछ ऐसी हाइलाइट्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए और शायद ये प्रूव भी करती हैं कि ये वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर हैं। सबसे पहली चीज गाइस यहां पर ये आती है कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड जो कि हर साल एक ऐसी लिस्ट निकालती है 500 रेसलर्स की जो कि रैंक करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, 2018 में केनी ओमेगा इस लिस्ट में नंबर 1 पर थे। अगली बात ये गाइस कि 2018 में ही इनका एक मैच हुआ था IWGP चैंपियनशिप के लिए काजुचिका ओकाडा के अगेंस्ट, जो कि खुद में ही एक काफी बड़े सुपरस्टार हैं जापान में, और इस मैच के लिए इनको रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से मिले थे 7 स्टार, जो कि पूरी हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग में एक बार ही ऐसा हुआ है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने किसी मैच को 7 स्टार्स दिए हों, और वो पहली बार हुआ था केनी ओमेगा के साथ और इस मैच को वो जीते भी थे। और गाइस उसके बाद इनका जो फिनिशर है जिसको कहते हैं वन विंग्ड एंजल, उसको बेस्ट मूव मिला था 2016, 17 और 18 में। तो गाइस ये तो कुछ ऐसे बहुत बड़े फैक्ट्स थे जो आपको पता ही होने चाहिए केनी ओमेगा के बारे में, और ये प्रूफ करते हैं कि कितने अच्छे रेसलर ये हैं। उसके बाद हम फटाफट से जान लेते हैं इनकी न्यू जापान की अचीवमेंट्स। तो ये एक बार IWGP हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, एक बार ये IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं, और ये सबसे पहले US चैंपियन थे न्यू जापान में, तो वो एक काफी बड़ी बात है। उसके बाद ये एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रह चुके हैं, वहां पे जूनियर हैवीवेट चैंपियन और जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। और उसके बाद गाइस न्यू जापान का एक प्रीमियम टूर्नामेंट जो कि हमें हर साल देखने को मिलता है जिसका नाम है G1 क्लाइमैक्स, उसको ये जीते थे, और ये इकलौते ऐसे फॉरनर हैं यानी कि गाइजिन हैं जो कि इस टूर्नामेंट को जीते थे 2016 में। तो ये इनकी सारी अचीवमेंट्स है गाइस न्यू जापान प्रो रेसलिंग में, और कुछ ही सालों में इन्होंने अपनी एक ऐसी पकड़ बना ली है कि जब इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आया था ऑल इलीट रेसलिंग का, तो ये उस समय सोच रहे थे कि क्या मुझे जापान छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि ये जापान से इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए थे गाइस, इनको ये अपना घर लगने लग गया था। और क्योंकि ये कैनेडियन है तो ये इतनी आम बात नहीं है कि कोई कैनेडियन रेसलर यहां पे जाके जापान में अपना उसको घर की तरह ट्रीट करे। और गाइस ऑल इलीट रेसलिंग ने अपनी लास वेगास में जो उनकी डबल और नथिंग की टिकट अनाउंसमेंट पार्टी थी, वहां पे केनी ओमेगा ने अपना डेब्यू करा था क्रिस जेरिको के अगेंस्ट, और वहां से उनकी हमें साइनिंग की न्यूज मिली थी। तो अब सवाल यहां पे आता है कि क्या केनी ओमेगा
बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है? तो गाइस इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अगर आपने इनके मैचेस नहीं देखे हैं तो जैसा कि मैंने कहा 7-star मैच अगेंस्ट ओकाडा आपको जाके देखना चाहिए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से केनी ओमेगा लड़ते हैं, कितना बेस्ट मैच वो दे सकते हैं अपना। और ये अगर हमें जब ऑल इलीट रेसलिंग में देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अपनी कुर्सी से खड़े होकर इनके लिए ताली बजाएंगे। और गाइस ऑल इलीट रेसलिंग में इनके आने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है तो आप मान लें कि कितनी बड़ी चीज आपने इसको ले ली है। तो गाइस इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट एपिसोड ऑफ नो AEW खत्म करूंगा। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगा। उम्मीद है आपको केनी ओमेगा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिली थी जो कि आपको ऑलरेडी नहीं पता थी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।